नमस्कार हम प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ स्थानीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय सेंट्रल कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जहाँ से आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर जो है वो कार्यान्वित होनी है। कार्य पे है, सब चीज़ प्रगति पे है। ध्यान देना, अभी ये वीडियो है पीजी वालों के लिए। बच्चों का कहना था कि सर करेक्शन विंडो कब आएगा, क्योंकि बहुत सारी उन्हें करेक्ट चीज़ें करनी है, एडिट करनी है। तो देखो भाई, अभी आज आपका लास्ट डेट है। हाँ, आपका डेट पहले तो एक्सटेंड होगा, ठीक है। इसकी भी संभावनाएं दिख रही हैं, लगभग 90% ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपके जो पीजी कोर्सेज की डेट है वो एक्सटेंड होनी है। जिस मान लो सपोज दो दिन के लिए एक्सटेंड हुआ, दो दिन के लिए जब एक्सटेंड होता है, उसके बाद जब डेट इंड होती है, देन दे विल स्टार्ट योर करेक्शन विंडो, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि करेक्शन विंडो पैरेलल भी चल सकता है। जैसे जब दो दिन एक्सटेंड करेंगे तो पैरेलल भी चल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जब डेट दो दिन बाद बंद हो तब आपका करेक्शन विंडो स्टार्ट करे। तो ये दोनों संभावनाएं हैं। बेसिकली ये एकदम कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, करेक्शन विंडो आएगा जरूर। आप एडिट भी कर पाओगे बकायदा, लगभग चीज़ें अपना ऐड ऑन कर सकते हो। तो आप मतलब बस अवेयर रहो, कॉन्शियस रहो, और जैसे ही देखना कि हाँ ऑफिशियली चीज़ें जब नहीं हो पा रही हैं, महादेव, ठीक है, जब आप देखना कि हाँ अब डेट ओवर हो गया है, तो फाइनली करेक्शन विंडो में जाना, और वहाँ से एडिट का ऑप्शन आता है। एक बात यहाँ पे मैं वार्न करना चाहूँगा कि एडिट सिंगल टाइम होता है, ठीक है। ये नहीं कि एडिट नहीं करना था, क्लिक करके बैठ गया और वो टाइम लॉस हो गया। मतलब आपको एडिट सिंगल टाइम मिलता है भाई, एक बार क्लिक करोगे फिर एडिट करके बाहर आ जाना रहता है। इसलिए जो एडिट का ऑप्शन आएगा, तो ये नहीं कि चेक करने के तौर पर आप क्लिक कर दो, चेक मत करना एकदम। पहले एकदम कॉन्शियस माइंड से एकदम अवेयर हो जाना कि महादेव, ठीक है, एकदम कॉन्शियस हो जाना कि हाँ एडिट करना है कि नहीं करना है, फिर आप एडिट पर क्लिक करना, ठीक है। मुस्कुराते रहो, जो एडिट का ऑप्शन आएगा मैं आपको समझा दूंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ इस वीडियो में, थोड़ा सा हेल्थ इशूज है, मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, और ऐसे जगह पे हूँ कि यहाँ पे लोग का आना जाना है, अपने जान पहचान के लोग मिल जाते हैं, आप लोग भी मिल ही जाओगे किसी न किसी दिन। मुस्कुराते रहो, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, हर हर महादेव। आप तो पीजी के विद्यार्थी हो, आप लोग के लिए तो और भी ज़्यादा संवेदनाएँ हैं। मैं चाहूँगा कि भाई शुभकामनाएं आपको मिलती रहें, और आप लोग प्लीज़ सक्सेस हो जाए, अपने स्वर्णिम भविष्य पे आगे बढ़ते रहें। बहुत सारी शुभकामनाएं।